Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. ये कहानी है एक ऐसे आदमी की, श्रीदेवी की आखिरी सेलिब्रेशंस में उनके साथ था। नाम है इनका संदीप मारवा। रिश्ते में तो ये श्रीदेवी के जीजा लगे बोनी कपूर की तरफ से। इन्हीं के बेटे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने गई थी श्रीदेवी, और दुबई जाने के बाद लौट कर आए तो मृत। संदीप मारवा खुद थिएटर से ताल्लुक रखते हैं। महान थिएटर पर्सनालिटी बीवी कारंत इनके क्लास टीचर थे। नादिरा जहीर बब्बर के साथ इन्होंने कई नाटकों में काम किया। तकरीबन 100 नाटकों में संदीप मारवा ने काम किया, और फिर कोशिश की कि इन्हें मौका मिले एक्टिंग कोर्स में एडमिशन का, लेकिन FTII पुणे में एक्टिंग का कोर्स बंद हो गया था। और तब संदीप मारवा ने सोचा था कि अगर मौका मिला तो ये खुद का एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट जरूर बनाएंगे। ये एक्टर बनना चाहते थे, अच्छी खासी शक्ल सूरत थी, स्कूल में भी बड़े मेधावी छात्रों में गिने जाते थे, लेकिन एक्टर ना बनकर ये बन गए टीचर म्यूजिक थिएटर और आर्ट के। लेकिन इनके साले अनिल कपूर सुपरस्टार, संजय कपूर भी एक्टर बने, और इनके बड़े साले अचल कपूर यानी कि बोनी कपूर वो बने प्रोड्यूसर। बोनी, अनिल और संजय की बहन रीना से इनकी शादी हुई। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, मोहित और अक्षय। मोहित मारवा इनकी शादी अटेंड करने के लिए बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां गई थी दुबई, जहाँ पे श्रीदेवी भी गई थी, तो लौट कर ना आई। छोटे बेटे अक्षय मारवा स्टूडियो के सीईओ बने। ये रिश्ते में सोनम, रिया, अर्जुन, हर्षवर्धन, खुशी, जानवी के फूफा जान हैं। बॉलीवुड में कौन सा तार कहां जुड़ा है, ये देर सवेर पता चल ही जाता है। संदीप मारवा दिल्ली के नागरिक हैं और नोएडा में काम करते हैं। To know more interesting stories of Bollywood, subscribe Page 3 Reporter.